हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिखाया, एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया बैंक निफ्टी ने, लेकिन अचानक से आपको गिरावट देखने को मिली। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम में शार्प सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिली। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं सभी लोगों के मन, जैसे कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, सेलर्स फिर से आ गए हैं, बेयर्स जो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसी तरह के कई सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अचानक से गिरावट जो आ गई कि मार्केट में गिरावट ही शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट कई बार आपको धोखा देने की भी कोशिश करता है। आपको वो चीज़ दिखाता है जो वाकई में नहीं होती और आप उसी की तरफ चले जाते हैं। मान लो आपको यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखा दी, शार्प सेलिंग दिखा दी, और बहुत सारे लोगों ने सेलिंग पोजीशन बना के चले गए और मार्केट सपोर्ट लेके चला गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझो जो मैं आपको समझाऊंगा। 27 का ऑब्जर्वेशन लो, 27 को भी मार्केट ने एक रेंज दिखाई थी, फिर मार्केट इस रेंज से बाहर निकला था, फिर एक रेंज बना ली थी। यानी कि एक तरीके से कुल मिला के आप ये कह सकते हैं काफ़ी हमें साइडवेज मोमेंटम या रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। अब ध्यान सिर्फ मैं आपका उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाए थे। 27 को जिस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लेवल बनाए थे, वही आज 31 को जो आपको ये शार्प सेलिंग देखने को मिली है, मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लिया है। यानी कि 26 की बात करें तो बड़ी तेजी के बाद मार्केट ने रेंज बाउंड मोमेंटम दिया था, फिर से मार्केट यहीं पे गिरावट लेके फिर से इसी जोन में मार्केट सपोर्ट बना रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, आपको दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। पहला, या तो मार्केट यहीं पे ही साइडवेज हो जाए या एक पर्टिकुलर रेंज बना ले जो कि आपको 27 को देखने को मिली, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ। डिसाइडिंग फैक्टर यही होने वाला है, क्योंकि अगर इस सपोर्ट लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए एक रजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि सेलर्स चाहेंगे मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए, बायर्स चाहेंगे मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंडीशन रहेगी, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए बायर्स का। यहाँ पे हम अपनी दूसरी बात कर रहे हैं। पहला जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि मार्केट ने अगर सपोर्ट लिया तो आपको रेंज बाउंड मोमेंटम या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रहेगा, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे 26 को मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया अच्छा खासा, 27 को मार्केट रेंज बाउंड हो गया, एक सपोर्ट लिया, 30 को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग, भले ही फिर रेंज बाउंड हो गया हो, लेकिन जो बात करें हम 31 की, मार्केट फिर से इस सपोर्ट जोन पे आ गया। तो आपको कल को पहले मार्केट को फर्स्ट हाफ में मैं तो ये कहूंगा कि ऑब्जर्व करना चाहिए किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मार्केट के मोमेंटम को समझने में कि किस तरफ हो सकता है मार्केट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको ये पूरा सिनेरियो समझाना चाहता था ये आपकी समझ में आ गया, और जिस लेवल की तरफ या जिस जोन की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज हमें पता चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल हमने क्यों चुना है, 31 को देख लो, आज के दिन भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 30 को देख लो, 30 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला। और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई हमारा सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस जोन में बदल जाता है, ब्रेकआउट मिलेगा फिर सपोर्ट में बदल जाएगा, फिर ब्रेकडाउन मिलेगा फिर रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। तो ये पहले एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिला, अभी एक इम्पोर्टेंट क्या बन चुका, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका। यहाँ पे आप देखेंगे 35,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,000 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे 30 को ही, आप देखेंगे 30 को आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिला था, एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिलता है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, आपको यहाँ से गिरावट ही देखने को मिली थी। तो ऊपर की तरफ ये दोनों मजबूत रजिस्टेंस के रूप में बने हुए हैं और दोनों ही मजबूत रजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दें। वहीं पर हम अपना दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देखे मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,000 पे दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को समझो, ये लेवल हमने क्यों चुना? यहाँ तो आपको 26 को तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद फिर सपोर्ट दिखाया, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक और है, वो क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो जो 31st है, 31st का जो लो बन रहा है यानी कि डे लो बन रहा है मार्केट, इसका भी ब्रेकडाउन दे देगा। साथ के साथ जो 27 है, 27 का जो डे लो बन रहा है मार्केट, इसका भी आपको ब्रेकडाउन दे देगा। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर गिरावट आई तो दोनों का ही आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। पहला तो हो गया कौन सा, 27 के डे लो का ब्रेकडाउन, फिर हो गया 31st की डे लो का ब्रेकडाउन। दूसरी जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था आपको उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सीधा जो लेवल अचीव होगा पॉसिबिलिटी है 35,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिला, अगर आपको ये सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली। वहीं पर अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,800 पे हमें अपना अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे आप 26 को भी आपको यहाँ पे पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। 25th को देखिए, 25th को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 23rd को देखिए, 23rd को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। यानी कि पहले ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका और मैंने आपको बताया हुआ है अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसका मिल रहा है हमें ब्रेकआउट, तो पॉसिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में, एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से हमने डिस्कशन कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, लॉजिक के साथ डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है, किस वजह से हमने इन लेवल्स को चुना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ वहीं पे हम बात करें ऊपरले वाली लाइन की, ये 35,524 की है। निचले वाली लाइन की बात करें, ये 35,291 की है, जो कि आप देखेंगे 31st का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहीं पे मिलता है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान क्या रखना है, अगर ब्रेकडाउन मिला तो 31st का डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ के साथ 27 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,676 पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,888 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,017 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,284 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,129 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,912 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड जून की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है,
कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 35,800 पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं 13.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 36,000 पे, जहाँ पे आपको 35.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,000 पे आप देखेंगे जहाँ पे आपको 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 34,500 पे, यहाँ पे आपको 15.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।